बजट फोन्स हमेशा से ही युवा पीढ़ी की पहली पसंद रहते हैं। इनकी मांग महंगे फोन्स के मुकाबले दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि मोबाइल फोन कंपनियां भी ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए सस्ते मोबाइल्स के नए नए मॉडल बाजार में लाती रहती है। इसी फहरिस्त में नया नाम जुड़ने जा रहा है मोटो G6 प्लस का। मोटो का ये नया फोन हॉनर पे 7 को कड़ी टक्कर देने वाला है, जिसकी एक बड़ी वजह फोन के रंग हैं। जहां हॉनर पे 7 टिपिकल ब्लैक, ब्लू और गोल्ड में मिल रहा है, तो वहीं मोटो नौजवानों को लुभाने के मकसद से इंडिगो और टोपेज में अपना फोन लाने वाला है। दोनों के वजन और साइज में भी फर्क बताया जा रहा है। मोटो G6 प्लस इसी कैटेगरी में बाकी फोन्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। हॉनर पे 7 के मुकाबले मोटो G6 का स्क्रीन 5.93 इंचेस है, तो वहीं हॉनर पे 7 का स्क्रीन 5.45 इंच का है। दोनों के रेजोल्यूशन में भी खासा अंतर है। मोटो G6 प्लस 1080x2160 पिक्सल वाला है, तो वहीं हॉनर प्ले का रेजोल्यूशन 720x1440 पिक्सल है। दोनों के रैम में भी बड़ा अंतर है। हॉनर पे 7 में 2GB रैम है, तो वहीं मोटो में रैम इसकी दुगनी यानी 4GB है। बात इंटरनल मेमोरी की करें तो यहाँ भी बाजी मोटो G6 प्लस ने ही मारी है। मोटो G6 प्लस में 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, तो वहीं हॉनर पे 7 में ये सिर्फ 16GB ही है। मगर हॉनर पे 7 में 256GB तक की एक्सटेंडेबल स्टोरेज है, जो कि मोटो G6 प्लस में इसकी आधी यानी 128GB ही है। दोनों ही फोन्स के रियर कैमरे में मामूली फर्क है। मोटो G6 प्लस में 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, तो वहीं हॉनर पे 7 में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन फ्रंट कैमरे की क्लैरिटी में हॉनर पे 7 आगे निकल जाता है, जिसमें 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। मोटो G6 प्लस में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दोनों ही फोन्स में वाईफाई और ब्लूटूथ की सुविधा है, लेकिन दोनों के प्रोसेसर में अंतर है। हॉनर पे 7 में क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, तो मोटो G6 प्लस में 2.2 GHz वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब बात सबसे अहम पहलू की, जो कि है कीमत। मोटो G6 प्लस की कीमत करीब 24,490 रुपए तक बताई जा रही है, तो वहीं हॉनर पे 7 अमेज़न पर 10,000 रुपए में ही आप अपना बना सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोटो G6 प्लस अक्टूबर तक बाजार में पहुंच जाएगा। ये फोन बजट कैटेगरी में भी लग्जरी सेगमेंट का अनुभव ग्राहकों को देने के लिए तैयार है, हालांकि इसके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी होगी। नेटरिक टेक की रिपोर्ट।